जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ्यूज कॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो बिजली हमारे घरों में आती है जिससे हम लोग 220 वोल्ट पे सारे उपकरण चलाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारी बिजली चली जाती है तो कंज्यूमर क्या करते हैं, पावर सब स्टेशन में कॉल करते हैं कि हमारे घर में लाइट नहीं है। तो दोस्तों, पावर सब स्टेशन में आपके कंप्लेन को फ्यूज कॉल के तौर पर लिखा जाता है। अब ये फ्यूज कॉल 11,000 का भी हो सकता है, LT का भी हो सकता है। फ्यूज कॉल यानी कि फ्यूज जो होता है ट्रांसफार्मर का कट जाता है, तो दो तरह का फ्यूज होता है, 11,000 का होता है और एक 220 वोल्ट का होता है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस पॉइंट में ये तीनों पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर है 25 kV, इसी का फ्यूज कॉल कंप्लेन है, हम लाइव दिखा रहे हैं। और ये जो है 11,000 फ्यूज है और यहाँ पे होता है LT फ्यूज। तो अब हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ आए हैं, 11,000 फ्यूज भी हमारा ठीक है, LT फ्यूज भी नीचे से देखने से हमको ठीक लग रहा है। अब इसमें क्या होता है कि एक हमको डाउट है यहाँ पे बुशिंग में, जहाँ से LT केबल ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होकर यहाँ बॉक्स में आ रहा है, तो वहाँ हमको चढ़ के चेक करना होगा। तो चलिए दिखाते हैं, उसके बाद पावर सब स्टेशन में ये एंट्री कराई जाएगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप जैसे ही बोलेंगे कि आपका बिजली नहीं आ रहा है, तो पावर सब स्टेशन में इसको फ्यूज कॉल के तौर पे लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ट्रांसफार्मर में दोस्तों 11,000 हाई टेंशन लाइन होता है, आप लोग गलती से भी ट्रांसफार्मर के आसपास नहीं जाएं। अब हम इस ट्रांसफार्मर में चढ़ने से पहले लाइन को शट डाउन कराएंगे, पावर सब स्टेशन में फोन करके हम लाइन को बंद करवाएंगे और इंसुलेट करा के सेफ्टी के साथ हम चढ़ के इसमें चेक करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पावर सब स्टेशन में ऑपरेटर के पास हम फोन लगा रहे हैं और हम उनसे शट डाउन लेंगे। हेलो, हाँ बोले कि आसन बनी का शट डाउन दे दीजिए, 11 kV में काम करेंगे, मतलब DTR में चढ़ेंगे। डिस्चार्ज वगैरह लगा दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम ऑपरेटर से शटडाउन के लिए मांग कर दिए हैं, अब ये पैनल से ट्रिप करेंगे लाइन को, उसके बाद जो स्विच है उसको खोलेंगे और पूरा सेफ्टी के साथ हमको शटडाउन दिया जाएगा, ताकि हम ट्रांसफार्मर में चढ़े तो कोई इंसिडेंट की संभावना आपका 0% भी नहीं रहे, क्योंकि 1% भी काफ़ी होता है स्वर्ग सुधारने के लिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें, शट डाउन के बाद हम चढ़ के आपको दिखाएंगे कि हमको फॉल्ट क्या मिल रहा है। हेलो, हाँ बोला जाए। सर मुझे फ्यूज शट डाउन हो गया है, काम ठीक है तो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, आसान बनी, आसान बनी फिर। ठीक है, ठीक दोस्तों, किसी भी गांव में कंप्लेन हो, जैसा कि हमने वीडियो में बताया हुआ है, जो इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन का वीडियो हमने डाला है, स्मार्ट कंज्यूमर देख सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन के सारे फंक्शन को हमने बताया हुआ है कि कंज्यूमर को कंप्लेन कैसे करना है, क्या बोलना है, उसी तरह फीडर होता है। तो ये जो गांव है वो आपका आसन बोनी फीडर में आता है। तो हमको शट डाउन मिल गया है, चलिए हम ट्रांसफार्मर पर चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको चेक करेंगे LT फ्यूज को, जो कि नीचे में होता है, दिख जाता है हमारा जो बॉक्स होता है LT बॉक्स। तो ये हमारा लगभग सारा फ्यूज ठीक है। अब दोस्तों हम इस ट्रांसफार्मर पे चढ़ेंगे और इसके लिए हमने 11,000 का फ्यूज ले लिया है और प्लायर ले लिया है, हालांकि प्रॉब्लम पता नहीं है, फ्यूज भी कटा हुआ हो सकता है, नीचे से नहीं दिख रहा हो और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम चढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दोस्तों ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर और अब हम लोग चेक करेंगे ऊपर जाने के बाद कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है हमारी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग LT फ्यूज को तो चेक कर लिए हैं, अब HT फ्यूज यानी 11,000 फ्यूज जो होता है, ये जो देख रहे हैं आप 11,000 लाइन हमारी आ रही है और जो ट्रांसफार्मर में घुस रही है, यहाँ पे फ्यूजिंग किया रहता है ताकि कहीं कोई फॉल्ट हो तो ये फ्यूज कट जाए। तो हमारा एक फ्यूज, तीन फ्यूज होता है RYB, तो ये हमारा फ्यूज ठीक है, ये भी फ्यूज ठीक है
और एक फ्यूज जो है यहाँ पे रॉड के माध्यम से दी गई है, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी फ्यूज हमारी सही है, ये भी फ्यूज हमारी सही है, लेकिन फिर इस फ्यूज को हम फ्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस फ्यूज को रॉड हटा के हमने फ्रेश कर दिया है। जैसा कि ये तीनों फ्यूज मेरा ये था ऐसे, तो ये नीचे से क्या है कि अच्छे से दिख जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम है। हालांकि हमारा नहीं था, फिर भी हमने इसको इस फ्यूज को हमने नया कर दिया, रॉड को हटा दिया। अब दोस्तों हम लोग 11 के भी बुशिंग को देखेंगे, ये बुशिंग भी हमारा सही है, बुशिंग भी हमारा ओके है। अब 11 के भी बुशिंग को चेक करने के बाद चेक किया जाएगा कि आपका एल्टी बुशिंग, तो एल्टिंग बुशिंग में मेरा ये वाला तो सही है, ये वाला मेरा ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमको फॉल्ट मिला दोस्तों, जैसा कि हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए शायद आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो मेरा एल्टी है ये कट चुका है, देखिए ये वाला जल चुका है और ये केबल कट चुका है। इसीलिए क्या है कि किसी भी उपभोक्ता के घर में बिजली नहीं जा पा रही है। अब ये एल्टी लाइन है जो कि घरों में जाती है, यहाँ से कट चुकी है, बुशिंग बोलते हैं इसको, एल्टी बुशिंग बोलते हैं, तो बुश से हमारा एल्टी कट चुका है। अब दोस्तों ये फॉल्ट हमारा मिल गया, अब पावर सब स्टेशन में हम यही लिखवाएंगे कि ट्रांसफार्मर में एल्टी बुश से केबल कट गया है, तो इसको थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको शट डाउन वापस करके लाइन चालू करके दिखा रहे हैं प्रोसेस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने जो हमारा जो फॉल्ट था इसको हमने अच्छे से बैंडिंग कर दिया है, अब फॉल्ट जो है हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम नीचे उतरेंगे, लाइन को शट डाउन वापस करेंगे, ट्रायल लेंगे, उसके बाद कंज्यूमर से वेरीफाई करेंगे जिन्होंने कंप्लेन किया था कि उनका लाइन चालू हुआ कि नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम नीचे उतर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है, हम नीचे आ गए हैं, अब हम अपने शट डाउन को वापस करेंगे। हेलो, ट्रांसफार्मर का एलटी बूश से केबल कट गया था, हल्का सटा हुआ था इसलिए पता नहीं चल रहा था, शट डाउन वापस से लाइन को चालू किया जाए। आसन बनी फीडर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने शट डाउन वापस कर दिया है। अब ऑपरेटर का काम है, जो स्विच बोर्ड ऑपरेटर होते हैं वह जाएंगे यार्ड में, स्विच को लगाएंगे, वहां पे वो स्विच खोले रहते हैं और डिस्चार्ज लगा के पैनल को आइसोलेट किए रहते हैं, तो वहां पे वो स्विच को पहले लगाएंगे, उसके बाद आपका स्विच लगाएंगे यार्ड में, उसके बाद आएंगे कंट्रोल रूम में। जैसा कि इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन का वीडियो में हमने सब कुछ बताया हुआ है, नहीं देखे हैं तो फिर बोल रहे हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है सभी कंज्यूमर को वीडियो देखना। तो दोस्तों ये जैसे ही पैनल में स्विच लगा के आएंगे, वहां से चालू करने के टाइम में हमसे बात करेंगे और हमसे लाइन पे हमको लेकर ही ये चालू करेंगे। स्विच लग गया, स्विच लग गया। अच्छा ठीक है, ट्रायल ले लीजिए। ठीक है, आसन मानी चालू कीजिए। चालू हो गया है, तो चलिए ठीक है, कंज्यूमर से बात कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा लाइन चालू हो गया है और यहाँ भी मेरे हिसाब से लाइन ओके है। अब जो फ्यूज कॉल का कंप्लेन किए थे उपभोक्ता, उनसे हम थोड़ा बात कर लेंगे कि पावर उनको मिला कि नहीं मिला। बोले कि लाइन मिला आप लोगों को? हाँ, लाइन तो अभी घर वाला बता रहा था कि आ गया है। आ गया ना, हाँ ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम था, वो ट्रांसफार्मर का बूश से कट गया था केबल आप लोगों का। हाँ, चलिए ठीक है, वही कंफर्म कर रहे थे। ओके, तो दोस्तों फॉल्ट क्लियर हो गया है, लाइन चालू हो गई है, कंज्यूमर से भी वेरीफाई हो गया है। तो यही होता है फ्यूज कॉल का प्रोसेस। उपभोक्ता को बिजली अगर नहीं मिलेगा किसी भी रीजन से, वो पावर सब स्टेशन को कॉल करेंगे, वहाँ डायरी में फ्यूज कॉल इंट्री किया जाएगा और लाइनमैन को सूचित किया जाएगा, जो कि फील्ड में एरिया इंचार्ज होते हैं जो देखते हैं, और वो अपना क्लियर करेंगे कि फ्यूज कॉल बहुत तरह का होता है। अब देखिए इसको फ्यूज कॉल में ही आएगा, लेकिन हमने लिखवाया, वहाँ फ्यूज कॉल का ही इंट्री होगा, आपका लाइन नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम मिल सकता है, तार टूटा हुआ हो सकता है, बूश जला हुआ हो सकता है, फ्यूज कटा हुआ हो सकता है,
तो बस दोस्तों, आपको अगर बिजली नहीं मिलेगी तो पावर सब स्टेशन में कॉल करके अपना फीडर का नाम बताना है कि हम फलाना फीडर से बोल रहे हैं, इस फीडर से बोल रहे हैं, मेरा लाइन नहीं मिल रहा। उसके बाद एरिया इंचार्ज के द्वारा, मिस्त्री के द्वारा आपका फॉल्ट को क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।